हेलो स्टूडेंट्स, मैं हनुमान चौधरी, प्रवक्ता यांत्रिकी अभियांत्रिकी, जीपीसी हनुमानगढ़। आज हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ मशीन्स, टॉम, सब्जेक्ट कोड ME 204। टॉम का सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स। फ्रिक्शन किस फॉर्मेट में पढ़ेंगे, उसकी आउटलाइन क्या है वो देखो। सबसे पहले देखेंगे फ्रिक्शन, यानी व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हाट इज वेयरिंग। नेक्स्ट होगा फंक्शंस ऑफ वेयरिंग, उसके बाद व्हाट इज थ्रस्ट बेयरिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रस्ट बेयरिंग, उसके बाद फ्रिक्शन ऑफ पिवट वेयरिंग। पिवट वेयरिंग के अंदर आपका आता है फ्लैट पिवट वेयरिंग एंड कॉनिकल पिवट वेयरिंग। इसके अंदर हम यह कैलकुलेट करेंगे फाइनल फ्रिक्शनल पावर लॉस और फ्रिक्शनल टॉर्क फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद फ्रिक्शन ऑफ कॉलर वेयरिंग। कॉलर वेयरिंग के अंदर आता है सिंगल एंड मल्टी कॉलर वेयरिंग, तो इसके अंदर भी हम फाइनल फ्रिक्शनल पावर लॉस और फ्रिक्शनल टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट फ्रिक्शन ऑफ क्लचेस, इसके अंदर आता है सिंगल प्लेट क्लचेस, मल्टी प्लेट क्लचेस एंड सेंट्रीफ्यूगल क्लचेस, ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद फ्रिक्शन इन जर्नल बेयरिंग्स, और लास्ट टॉपिक होगा हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये एक आउटलाइन है फ्रिक्शन चैप्टर का आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं क्या है, व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है उसको देखते हैं। एक ब्लॉक ए है, उसके ऊपर ब्लॉक बी है। ब्लॉक बी है उस पर पुशिंग फोर्स लग रहा है एफ। ब्लॉक बी और ब्लॉक ए का कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सा है, वो ये रहा। ब्लॉक ए ब्लॉक बी का कॉन्टैक्ट सरफेस है। अब पुशिंग फोर्स ये लग रहा था एफ यहाँ पे ब्लॉक बी पे, तो ब्लॉक बी मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ब्लॉक बी मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दोनों के कॉन्टैक्ट सरफेस पे एक अपोजिट फोर्स लग रहा है, एक रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है। मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, इस रेजिस्टिंग फोर्स को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शन फोर्स। इसकी वैल्यू कितनी है, म्यू एम जी, एम बी इसका मास, ब्लॉक बी का मास है एम बी, म्यू क्या है फ्रिक्शन कोफिशियंट। तो एक ये जो म्यू एम जी है वो इस ब्लॉक पे अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टिंग फोर्स लगता है, उस रेजिस्टिंग फोर्स को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ बेयरिंग, यानी बेयरिंग क्या है वो देखो। द मेन फंक्शन ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट इज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन एंड ऑफ द लाइन टू अदर। शाफ्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, एक एंड से दूसरे एंड तक पावर ट्रांसमिट करना। तो उस शाफ्ट को क्या जरूरत पड़ती है, इट नीड्स ए गुड सपोर्ट टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड फ्रिक्शन लेस रोटेशन। मतलब शाफ्ट रोटेट कर रही है, वो पावर ट्रांसमिट कर रही है, एक एंड से दूसरे एंड तक पावर ट्रांसमिट कर रही है, तो उसको एक अच्छा सपोर्ट चाहिए जो स्टेबल हो और फ्रिक्शन लेस हो। द सपोर्ट फॉर द शाफ्ट इज नाउन एज बेयरिंग। तो जो सपोर्ट मिल रहा है वो क्या है आपका, बेयरिंग। तो बेयरिंग का मेन काम क्या है, शाफ्ट को स्टेबल रखना और फ्रिक्शन लेस रोटेशन करना। वो फ्रिक्शन लेस कैसे करेगा, देखो ऑल बेयरिंग आर प्रोवाइडेड सम लुब्रिकेशन अरेंजमेंट टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन शाफ्ट एंड बेयरिंग। यानी एक लुब्रिकेशन अरेंजमेंट होता है उसके अंदर जो फ्रिक्शन को कम करता है, ये बेयरिंग के अंदर होता है। दूसरा, बेयरिंग को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन देयर इज ए रिलेटिव रोटेटिंग मोशन बिटवीन टू मशीन पार्ट्स। मतलब मशीन के दो पार्ट हैं, एक पार्ट तो रोटेट करने वाला, दूसरा रोटेट नहीं कर रहा, वो उसको सपोर्ट कर रहा है, जो रोटेट कर रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है। वन ऑफ विच सपोर्ट्स द अदर, मतलब जो रोटेट करने वाला पार्ट था उसको सपोर्ट कर रहा है। द सपोर्टिंग मेंबर इज नाउन एज बेयरिंग। तो एक मशीन का एक पार्ट तो रोटेशन कर रहा है, दूसरा उसको सपोर्ट कर रहा है, तो जो सपोर्टिंग मेंबर है वो क्या है, बेयरिंग, ठीक है। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ बेयरिंग। फंक्शंस में सबसे पहले ये आता है कि जो बेयरिंग है वो लोड को सहन करता है, दूसरा जो रोटेटिंग पार्ट है उसको करेक्ट पोजीशन पे लोकेट करता है,
इसका मतलब ये है कि जो रोटेटिंग पार्ट है उसकी पोजीशन चेंज ना हो, उसके लिए उसको करेक्ट पोजीशन पे लोकेट करता है कौन, बेरिंग। तीसरा, रोटेटिंग पार्ट है उसको फ्री मोशन प्रोवाइड करता है, कैसे, उस बेरिंग के अंदर एक लुब्रिकेशन अरेंजमेंट होता है जो क्या काम करता है, जो फ्रिक्शन को कम करता है। तो फ्रिक्शन को कम करके हम लोकेट रोटेटिंग पार्ट है उसको फ्री मोशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये हैं बेरिंग के फंक्शन। नेक्स्ट, बेरिंग क्लासिफिकेशन। बेरिंग्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ लोड के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर दिया तीन कैटेगरी में। फर्स्ट, बेरिंग्स फॉर रेडियल लोड। अगर शाफ्ट के रेडियल डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो नाम क्या हो गया, रेडियल बेरिंग्स। बेरिंग्स फॉर एक्सियल लोड, शाफ्ट की एक्सेस के अकॉर्डिंग लोड लग रहा है तो वो हो गया थ्रस्ट बेरिंग्स। और बेरिंग्स फॉर कंबाइनड लोड, यानी इट टेक्स बोथ रेडियल एंड एक्सियल। देखते हैं कैसे। देखो, ये शाफ्ट की एक्सेस है, ये शाफ्ट है और ये दोनों एंड पे क्या है आपका, बेरिंग लगा हुआ है। तो ये शाफ्ट की एक्सेस है, शाफ्ट की एक्सेस के अकॉर्डिंग लोड लग रहा है, ये हो गया एक्सियल लोड, ठीक है। और ये देखो, ये शाफ्ट की रेडियल डायरेक्शन में लोड है तो ये कौन सा हो गया, रेडियल लोड। अगर वो रेडियल डायरेक्शन में प्लस एक्सियल डायरेक्शन में तो वो कौन सा हो गया, कंबाइन लोड, ठीक है। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रस्ट बेरिंग। थ्रस्ट बेरिंग मैंने अभी बताया कि अगर शाफ्ट के एक्सियल डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो वो जो बेरिंग सिस्टम है, जो बेरिंग है वो कौन सा हो गया, थ्रस्ट बेरिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, थ्रस्ट बेरिंग का क्लासिफाई कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो थ्रस्ट बेरिंग दो कैटेगरी में होता है, फर्स्ट पिवट बेरिंग, दूसरा कॉलर बेरिंग। पिवट बेरिंग दो टाइप के होते हैं, फ्लैट पिवट बेरिंग, कॉनिकल पिवट बेरिंग, ठीक है। अब ये फ्लैट पिवट बेरिंग क्या होता है, पिवट बेरिंग क्या होता है, ये हम देखेंगे आगे। उसके बाद आता है कॉलर बेरिंग। कॉलर बेरिंग आपका होता है फ्लैट कॉलर बेरिंग, कॉनिकल कॉलर बेरिंग। फ्लैट कॉलर बेरिंग आपका फिर दो पार्ट में डिवाइड होता है, सिंगल कॉलर बेरिंग एंड मल्टी कॉलर बेरिंग। तो ये है आपके थ्रस्ट बेरिंग का क्लासिफिकेशन। थ्रस्ट बेरिंग मतलब कि आपके शाफ्ट की एक्सियल डायरेक्शन में लोड लग रहा है, यानी बेरिंग जो सिस्टम है उसमें एक्सियल डायरेक्शन में, शाफ्ट की एक्सियल डायरेक्शन में लोड आ रहा है उस बेरिंग सिस्टम पे, उस बेरिंग अरेंजमेंट पे, तो वो थ्रस्ट बेरिंग हो गया। अब आगे देखते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन ऑफ पिवट बेरिंग। इसका मतलब हम कैलकुलेट करेंगे पिवट बेरिंग का फ्रिक्शनल टॉर्क और फ्रिक्शनल पावर लॉस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पिवट बेरिंग होता क्या है। द बेरिंग सरफेस प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ए शाफ्ट टू टेक ए एक्सियल थ्रस्ट आर नाउन एज पिवट्स। मतलब एक एक्सियल डायरेक्शन में लोड लग रहा है शाफ्ट के, और शाफ्ट का एंड है वो सरफेस, बेरिंग सरफेस को टच कर रहा है, तो ऐसा अरेंजमेंट क्या होता है, पिवट होता है। मतलब एक तो शाफ्ट के एक्सियल डायरेक्शन में लोड लग रहा है तो एक्सियल थ्रस्ट हो गया, और जो पिवट बेरिंग मैंने डिवाइड किया था कि थ्रस्ट बेरिंग का एक पार्ट है पिवट बेरिंग, इसका मतलब शाफ्ट के एक्सियल डायरेक्शन में लोड लग रहा है और शाफ्ट का एंड है वो सरफेस बेरिंग को टच कर रहा है, तो ऐसा अरेंजमेंट क्या है, पिवट, ठीक है। अगर सरफेस फ्लैट है तो फ्लैट पिवट हो गया, अगर सरफेस कॉनिकल टाइप का है, ठीक है, तो वो कॉनिकल पिवट हो गया। अगर सरफेस कुछ ऐसा हो, आधा कॉनिकल नीचे से फ्लैट हो, तो उसे बोलते हैं टर्नकेटेड पिवट। तो ये तीन तरीके से डिवाइड कर दिया किसको, पिवट को, पिवट बेरिंग का। फर्स्ट फ्लैट पिवट, दूसरा कॉनिकल पिवट, तीसरा टर्नकेटेड पिवट। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि पिवट बेरिंग में जो पावर लॉस हो रही है, फ्रिक्शनल टॉर्क है, उसको कैलकुलेट करेंगे। तो वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं।